जब पोजिंग कर रहे हो ना, कोशिश करना कि एक्सट्रीम पोजेस पर ना सभी कंट्रोलर्स पे की रहे, जैसे कि ये वाला फ्रेम, ये एक इम्पोर्टेंट फ्रेम है, यस ठीक है? तो यहाँ पर सभी कंट्रोलर्स पे की रहेगा, जैसे इसमें नहीं है, इसमें है, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अभी जैसे कि माया में जब तुम एनिमेशन कर रहे हो, नॉर्मली तुम मान लो कि दो कंट्रोलर में की डाले, इस यस कंट्रोलर में, इसमें और इसमें की है, बॉडी कंट्रोल में, सीओजी में इधर यस की है, फिर माया ने जो कैलकुलेशन किया कि इस की से इस की पर शिफ्ट होगा, मतलब मोशन ऐसे डाल दिया। अभी जब इसमें की नहीं है तो माया अभी इसको यहाँ से यहाँ तक मोशन डाल रहा है, तो टेक्निकली इस पार्ट पर इसमें जो मोशन आ रहा है वो ऑटोमेटेड मोशन आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट फ्रेम्स है, जैसे कि ये वाला जैसे इम्पोर्टेंट फ्रेम है, तो इसको पूरा सिलेक्ट करो और एक की डालो, ठीक है? यस उससे क्या होगा, ये पार्टिकुलर पोज लॉक हो जाएगा। अब तुम इस पोज में कुछ भी करोगे तो वो सिक्योर रहेगा, और जब तुम पोजिंग कर रहे हो ना, कंट्रोलर्स को कोशिश करना कि क्लीन रखने का। अभी जैसे इसको तुमने ट्रांसलेट किया है, तो अभी अगर मैं बॉडी कंट्रोल से कुछ मूव करता हूँ तो इसका पीवॉट चेंज हो गया है, अभी यस इसको पीवॉट यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ से मूव कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको अगर जीरो में रखोगे तो क्या होगा, फिर से वो कर जगह पर आ दो, जाएंगे। तो इसका पीवॉट एक्चुअली ये इसमें कंट्रोलर्स को, सभी कंट्रोलर्स को ट्रांसफर मत करना। अभी देखो, अभी हिप का जो एक्चुअल पोजीशन है वो यही है, मतलब यस हम लोग कंट्रोलर्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग तो मेस मूव कर रहे हैं ना, मतलब यस बॉडी का इस पार्ट को हम मूव कर रहे हैं। अभी तुम अगर इन दोनों को ऐसे पुश कर दोगे तो फिर क्या हुआ, अब ये वाला पार्ट एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है, यहाँ से बॉडी के बाहर का कोई हिस्सा मूव कर रहा है इसका, ठीक है यस ना? तो ये सब एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस डाल देता है। जब भी पोजिंग कर रहे हो, क्लीन पोजिंग करो, तुम्हारे पोज क्लीन है लेकिन तुमने कंट्रोलर से बहुत कुछ कर दिया है, तो इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सब सब कंट्रोलर्स को टच मत करना, जो कंट्रोलर पे काम कर रहे हो उसी पर कंटिन्यू करो। जैसे कि यहाँ पर तुमने इसको भी, इससे क्या होता है, इधर ये जो बम्प है इसको मैनेज कर सकते हो, लेकिन उसको टच करने की जरूरत नहीं होता क्योंकि तुमने ऑलरेडी यहाँ पे सभी कंट्रोलर्स को टच किया है। इससे रोटेट करो, अभी स्पाइन का जो कंटिन्यू हो रहा है उसके साथ ये नेक भी कंटिन्यू होगा। सर पोजिंग में और मेहनत करना पड़ेगा ना सर। पोजिंग ही है एनिमेशन में मोस्टली, पोजिंग और टाइमिंग का ही पूरा खेल है, पोज से सब कुछ होता है, तो वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है पोजिंग। अभी एक पोज ठीक करके कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा आजू बाजू का पोज भी ठीक करना पड़ेगा इसके साथ। नॉर्मली तुम्हारा ठीक ही है, बस यही सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है इसके, इधर कंट्रोलर ये बाहर उधर बाहर, ये सबको मैनेज मत करो, मेन कंट्रोलर है ये वाला, बॉडी कंट्रोल को अगर ठीक से मैनेज कर पाओगे तो ये सब आ जाएगा, लेकिन मेन एनिमेशन जो रहेगा वो बॉडी कंट्रोल में रहेगा। ये आया आया जंप किया, तो पूरा एनिमेशन का जो मेन पोर्शन रहेगा, मेन स्ट्रक्चर रहेगा, वो बॉडी कंट्रोल पर रहेगा। नॉर्मल सिचुएशन में अगर तुम नॉर्मल रखते हो, हम का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है ये वाला बोर्ड, ठीक है? उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है, और ये सिंगल डायरेक्शन में रोटेट करता है, ये डबल नहीं होता। अभी अगर मेरा हाथ ऐसा है तो ये जो रोटेशन आ रहा है, ये रोटेशन यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है? तो ये इस मेकानिज्म को मेंटेन करना है कुछ, तो
पोज क्लीन लगेगा, नेचुरल लगेगा पोज। यस स्विच अब यहाँ पे जम किया, यहाँ पर ये पोज ठीक करो, इसको अंदर लेके आओ थोड़ा, और मैं ये करूँगा क्योंकि ये काफी टाइट ही दौड़ रहा है, तो ये स्पेसिंग देखना पड़ेगा, तो बहुत बहुत ज्यादा होगा इसका, इसका जो मूवमेंट रहेगा वो आगे जाएगा। ये पार्कोर में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही है कि इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, उससे स्पीड आता है, उस चीज को अगर हैंडल नहीं कर पाओगे तो स्लो हो जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि वो फोर्स में आके जंप करके फिर आया। और एफ के आई के स्विच करो, ये हाथ, इस हाथ का आई के का काम हो गया है, अब इसको एफ के कर दो, स्विच कर दो इधर, ठीक है ना। यहाँ पे ये आई के हैंडल करना ज्यादा मुश्किल है एफ के की तरह, एफ के से एफ के में बहुत फ्री पोजेस बहुत ज्यादा मिलता है, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है एफ के का काम। इस पोज को मैं थोड़ा सा और पीछे लूंगा, इसको मैं बस यहाँ पे ही रखूंगा ताकि यहाँ पे थोड़ा और स्पीड मिल जाए। और जाम का जो मैकेनिक्स है वो मैकेनिक्स मिसिंग है इधर, इसको कॉपी नहीं करना है। यहाँ पे क्या होता है, रियलिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सटल होता है। ये कैरेक्टर ये यहाँ पे दौड़ के आके इधर एक जंप किया, उस जंप के लिए जो एंटिसिपेशन होता है, जंप के लिए एंटिसिपेशन लेना होता है ना, अगर भागते हुए भी कोई जंप करेगा तो यहाँ पे एक एंटिसिपेशन लेके जंप करेगा, बिना एंटिसिपेशन के जंप नहीं कर सकता। उसके लिए इसका जो एंटिसिपेशन है वो यहाँ से आ रहा है, इस वाले पोर्शन से, यहाँ से नीचे गया फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, वही एंटिसिपेशन तुम्हारा इसमें मिसिंग है। मैं इस पोज में इसको नीचे लेके जाऊंगा और पोज भी उसमें डालूंगा इसे डाउन वाला, फिर जब मैं इसको ऐड करूंगा तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी आ गया। yes. तो वो वाला चीज मिसिंग है यहाँ पर, जाम का पार्ट। और जब जाम का पार्ट जो हुआ, यहाँ से तुमने बहुत सारे कीज ऐड कर दिया है, अननेसेसरी कीज है। यहाँ पे थोड़ा और नीचे जाएगा, बॉडी को फॉरवर्ड कर दिया, से यहाँ पे गया, फिर यहाँ से मेबी मैं यही पोज, इन पोजेस को सबसे पहले करूंगा, और कुछ एक्स्ट्रा पोजेस करूंगा नहीं। फिर यहाँ पर हाथ का थोड़ा और इंडिकेशन दूंगा, और यहाँ से ये किया है इधर, रन रन के लिए ये लेग को ऊपर करना जरूरी है। अगेन वो रेफरेंस कॉपी मत करना। यहाँ से जब नीचे आया तब एक डाउन पोज रहेगा, यहाँ पर मैंने इसको बिठाना है, सिलुएट क्लियर करना यहाँ पर। मैंने एग्जैक्ट ये नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट फ्रेम नहीं है मेरे को, टाइमिंग बाद में चेंज करना पड़ेगा, इसे पुश करें, यहाँ पे डाउन गया फिर यहाँ से पुश होगा, पुश में थोड़ा और इधर, मैं यहाँ से इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, मैं बस तुम्हारा जो रेफरेंस है उससे इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, बाकी
जो भी करना है मैं पोज में करूंगा, इम्प्रोवाइज करूंगा पोज को, वो ज्यादा जरूरी है। कितने सारे ये नॉर्मल है, हाँ तुम्हारा अगर पोजिंग ठीक ठाक रहेगा, टाइमिंग ठीक ठाक रहेगा तो वो स्पीड देखने को मिलेगा, ठीक है ना, स्पीड भी दिख जाएगा और जो मेकानिज्म हो रहा है वो भी दिखेगा। से इस लेग से पुश हुआ, ये उधर गया, ओके देखो पूरा यहाँ से जब यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे एक चेंज दिखाना जरूरी है, यस पर बॉडी इधर रह जाएगा, ये मूव करना स्टार्ट करेगा इसमें, और ये देख पीछे से डीले रहे हैं। तो ये मेन एनिमेशन का केस है कि तुम रेफरेंस को देखो लेकिन रेफरेंस से कॉपी मत करो, ठीक है, रेफरेंस से कॉपी करोगे तो स्टीफ हो जाएगा एनिमेशन, और जब पोज कर रहे हो तब सारे चीज को एक साथ मत देखो, जो जरूरी पोजेस हैं उनको सबसे पहले करो, जैसे कि ये रान का पार्ट, यहाँ से ये रान होके आया, अब ये एक इम्पोर्टेंट फ्रेम है, इसकी जरूरत अभी नहीं है, ये डाउन डाउन पोज की अभी जरूरत नहीं है, यस सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फ्रेम है वो रहेगा मेरे लिए ये वाला, मेन मेन चीज है कॉन्टेक्ट, ये जैसे कि यहाँ पर ये एक कॉन्टेक्ट है, ओके यहाँ से जो नेक्स्ट कॉन्टेक्ट हुआ ये वाला जहाँ पर हाथ टच हुआ, ये एक नेक्स्ट कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये पार्कोर में क्या है कि मेरे को ओवरऑल मूवमेंट लेके जाना पड़ेगा, जैसे कि मैं अगर इसको बाउंसिंग बॉल के हिसाब से सोचूं तो ये बॉल यहाँ से आया, यहाँ से एक डाउन गया, फिर यहाँ से अप गया, फिर यहाँ से और डाउन जाएगा, ठीक डाउन है ना, तो ये वाला पार्ट एक एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन यस जब मैं कर रहा हूँ तब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये दो, ये और ये, ठीक यस है, फिर ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इस पोज को मैं नेक्स्ट करूंगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं इसको लेके आऊंगा क्योंकि ये एक्सट्रीम हाइट में जा रहा है, उसके बाद क्रॉस कर रहा है उधर, यहाँ से ये नीचे गया, फिर कंटिन्यू हो रहा है, और इधर फिर जाके मैं जो करूंगा ये नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला जो जो मेरा एक्शन को पुश करेगा, ये मेन एक स्टोरी है कि इसका जो मोमेंटम था उसको नीचे से धकेल के ऊपर लेके जा रहा है, ओके वो एक नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं करूंगा इसको, ये वाला यहाँ से नीचे गया जाके फिर कंटिन्यू हो रहा है ऊपर, इसको अभी छोड़ दूंगा, फिर ये इस कॉन्टेक्ट को करूंगा कि कैसे यहाँ से यहाँ पर ये हुआ, कैसे ट्रांजिशन कैसे हुआ, समझा पा रहा हूँ कि, यस तो वो चेंजेस जरूरी है, मतलब मेन जो चेंजेस है, सबसे बड़ा चेंज जो शॉट के अंदर हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ सर, जो ये लेग मेरा प्रॉब्लम था कि जो ये लेग है, जो मैं फ्रंट व्यू साइड व्यू से मैं जो को समझ समझ में आ रहा है, अब जब मैं कर रहा हूँ तो ये लेग का जो पोजीशन जो मैंने यहाँ पे बनाया है सर, ये पाँव मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, ये पाँव मेरा फ्रंट से कैसे रहेगा, मैं इसको समझू कैसे कि ये पाँव किस तरह से करके फ्रंट से देखो जाए करके फिर। देखो करके देखो, ये वॉल्ट तुम करो एक बार, अच्छा करना ठीक है, पड़ेगा हाँ करो एक बार करके देखो कि क्या हो रहा है, कैसे तुम्हारा बॉडी ट्रांसफर हो रहा है,
फिर मेरा जो मेन मेथड जो है कि तुम जैसे ही इसको तुम एक बार करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार करके देखो। और या फिर तुम दूसरे रेफरेंस भी ढूंढ सकते हो स्पीड वॉल्ट का, रेफरेंस ढूंढ के उसके अगर कोई डिफरेंट एंगल्स है वो उसमें भी देख सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है करके देखना। ये ऐसे ऐसे भी देख सकते हो। इस पोज को पकड़ पाए हो, यस सर, ये यहाँ यही समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट तो समझ। हाँ यस सर, यहां से अब स्क्रॉल करके नोटिस करो कि क्या क्या हो रहा है बॉडी में। जैसे कि ये वाला लेग पीछे से आगे जा रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे कि जो लेग आगे रहेगा हिप उस तरफ रोटेटेड रहेगा। तो अभी उसको अगर मैं यहाँ पर फॉलो करूँ तो इस पोज में ये लेग फॉरवर्ड है तो हिप इधर रोटेट किया हुआ है, उसका हिप जो है वो अभी ऐसा है। इस टाइप का है तो थोड़ा इधर रोटेट किया हुआ है और ये लेग यहाँ से कंट्री हो रहा है और ये वाला लेग यहाँ से, और हाथ इधर है, ये वाला हाथ आगे है तो डेफिनेटली चेस्ट ऐसे रोटेट किया हुआ होगा। मतलब ओके चेस्ट का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, हिप का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, ये भी एक तरीका है इसको नोटिस करने का। लेकिन बेस्ट मेथड वही है कि या तो कोई दूसरे एंगल से एक रेफरेंस ढूंढो या फिर खुद करके देखो एक बार। अच्छा तुम शायद यस ये इस एक्शन को ना भी कर सको, सब कर नहीं सकते, मैं भी नहीं कर सकता यस इस, सर, जैसे कि इस हाँ एक्शन को पॉसिबल नहीं है। क्या कर सकते हो, तुम बेड में ऐसे सो जाओ, अच्छा पेड़ में सो गया ऐसे। ठीक है, यस ऐसे तो बेड में सो सकते हो डेफिनेटली। हाँ यस सर हाँ, अब क्या करना है कि बस लेग को ऐसे थ्रो करो, हाथ को ऐसे रख के मैं ऐसे अच्छा सोऊंगा फिर लेग को थ्रो करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे बॉडी में क्या क्या चेंज हो रहा है, वो भी एक तरीका है। हाँ, फिर तुम लेग से ये जाम तो कर सक मतलब बेड से ये जाम कर पाओगे, ये यस मैं कर सकता हूँ, बेड से ऐसे उतर सकता हूँ, यस तो वो वाला मैं करके देखूंगा कि क्या क्या हो रहा है। ये तो नॉर्मली दिख रहा है क्या क्या हो रहा है, तो वही। पार्कौर का कुछ देखना, ट्यूटोरियल होता है तो उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि क्या करना होता है इसमें, कि कैसे तुम बॉडी को आगे लेके जाओगे। उस ट्यूटोरियल से बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है पार्कौर का जो मूवमेंट है, बॉडी का जो मूवमेंट है, और कहाँ पर पुश करना है, कहाँ पर क्या करना है, ये सब एक इम्पोर्टेंट चीज है जो तुम उस ट्यूटोरियल से देख सकते हो। फिर ऐसा मेरा पोजिंग वोजिंग मतलब ठीक है ना, मतलब कर पा रहा हूँ मैं। पोजिंग क्लीन है, लेकिन देखो पोजिंग देख के क्लीन लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा एक थोड़ा सा डेंजरस डेंजरस जोन में हो तुम। मतलब ओके क्या है कि तुम्हारा पोजिंग बाहर से देख के क्लीन लगता है, अच्छा लेकिन जब अंदर से देख रहा हूँ तो प्रॉब्लम है उसमें, वो ओके उतना क्लीन नहीं है। इससे दो चीज पता चलता है, तुम्हारा जो आर्टिस्टिक साइड है इसका, जो तुम पोज को देख के आर्टिकुलेट सेंस कर करने का सकते जो पार्ट है वो तुम्हारा, तो वो तुमको आता है, तुम देख सकते हो, लेकिन तुम पोज को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। यही वही सबसे बोल रहा बड़ी हूँ, प्रॉब्लम हो रही है। हाँ वही हाँ बोल रहा हूँ कि मतलब कंट्रोलर्स को इसी तरीके से देखो कि जैसे हमारा बॉडी काम करता है। जैसे कि मैं अगर ऐसे स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ तो अभी ओके क्या हो रहा है, मेरे हिप में एक हिप का अगर कंट्रोलर देखो तो वो रोटेट हुआ, रोटेट मतलब मेरा हिप नॉर्मल ऐसे बैठा हुआ है यस और लेग आगे की तरफ है। ठीक ओके है, अभी और इसके साथ मुझे अगर अगर ये करना पड़ेगा, ये सीधा बैठा हुआ हूँ, मैं रिलैक्स हो गया थोड़ा, तो उसमें मेरा स्पाइन सीधा था ऐसा, वहाँ से ऐसा हुआ, इसका मतलब ये जो मान लो कि ये जो ये वाला जो लाइन है ये यस कंट्रोलर है, ठीक है ना, तो ये एक पीछे की तरफ रोटेट हुआ, आगे का कंट्रोलर आगे की तरफ रोटेट हुआ, और ये पूरा मिल के एक क्लीन क्लीन आर्क बनाया। ऐसा नहीं है कि बीच का कोई इधर ट्विस्ट हो गया, ये वाला इधर ट्विस्ट हो गया, ये वाला मूव कर गया, ऐसा नहीं है, जो भी है क्लीन है, उस क्लीनलीनेस को मेंटेन करो। ठीक है, ठीक
जितना सिंपल रख सकते हो, ब्लॉकिंग का मेन फंडा यह है कि पोज को सिंपल रखना है, कंट्रोलर्स को सिंपल रखना है, टाइमिंग को सिंपल रखना है। अगर तुम इन तीन पार्ट को ठीक ठाक रख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आगे निकल जाएगा। ठीक है, तुम्हारा पोजिंग ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तुमको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि ये हाथ कहाँ से मूव कर रहा है, कौन सा एंगल से मूव कर रहा है, इधर जब मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ तब क्या क्या चेंजेस हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो जब मैं हेड ऐसे टिल्ट कर रहा हूँ तो क्या क्या कौन कौन से पार्ट में चेंज हो रहा है, वो एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लो। अगर जरूरत पड़े वीडियो रेफरेंस लो, अगर जरूरत पड़े तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि जब पोजिंग कर रहे हो तो एक बार तुमको पता है कि हाँ ये ऐसे मूव करेगा, इसको मुझे ये ट्विस्ट करना है, ये करना है, फिर भी एक बार ट्राई करो खुद करने का, करके देखो कि अच्छा मेरा बस एक सिंपल पोज है। मान लो कि मैं किसी को पॉइंट कर रहा हूँ किसी डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में पॉइंट करने के लिए क्या क्या मेरे बॉडी में चेंज हो रहा है, मेरे हिप कहाँ जा रहा है, चेस्ट कहाँ जा रहा है, हिप कहाँ जा रहा है, हाथ में क्या हो रहा है, शोल्डर में क्या हो रहा है, किस तरफ से मूव कर रहा है, मतलब एक बार मैं ऐसे मूव करके देखो कि क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे ये होगा, लेकिन तुम पाथ में हो, सही है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ये सब। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।